चलिए दोस्तों, आज आप देखने वाले हैं कि इनक्यूबेटर किस तरह से बनाया गया है और इनक्यूबेटर की क्वालिटी क्या है, साथ ही में इनक्यूबेटर के अंदर क्या-क्या पार्ट लगे हैं, आपको कैसे यूज करना है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत शिंदे KPS इनक्यूबेटर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो चलिए देखते हैं इनक्यूबेटर की बॉडी यानी बॉक्स कितना मजबूत है और कितने MM का है। चलो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। ये भाई साहब आपका इनक्यूबेटर देख लीजिए। यहाँ पे मैंने फ़िलहाल 15 वाट की लाइट लगाया चेकिंग के लिए। आप यहाँ पे 60 वाट या 100 वाट की भी लाइट लगा सकते हैं। यह है सेंसर, मैंने यहाँ पे समेट के रखा है, फिर आपको खोल के अंडे के ऊपर डालना है। अब देखते हैं ऊपर से इनक्यूबेटर में लगाया है W3001 कंट्रोलर। अभी मैंने यहाँ पे जो टेप किया आप निकाल सकते हैं, नहीं तो उसको वैसे भी रख सकते हैं। यह है फाइबर ग्लास, कांच का ग्लास नहीं है, ये प्लास्टिक ग्लास है, जल्दी टूटता भी नहीं और क्वालिटी बेटर है इसकी। साइड में दिए गए हैं ऑक्सीजन होल। अब इसकी वायरिंग कैसी करेंगे ये भी देख लेते हैं और आपको चालू भी करके दिखाऊंगा। यहाँ पर पहले बॉक्स थोड़ा बड़ा रहता है, यहाँ पे लगानी है आपको एडेप्टर की वायर और यहाँ पे लगाना है पावर प्लग। ठीक है, मैं अभी पावर प्लग लगाता हूँ और आपको वीडियो भेज रहा हूँ। इस तरह का आपको आएगा एडेप्टर और इस तरह का आएगा पावर प्लग। आप देख सकते हैं कंप्यूटर के लिए ये यूज होता है, तो इसको लगाना है यहाँ पर, ये होल में आपको लगाना है हल्के हाथ से और इसे लगाना है साइड में। अब इस बोर्ड पे भी लगा के दिखा देता हूँ मैं आपको। जैसे कि आप देख रहे हो कि जैसे जैसे आपके मशीन के पॉइंट बढ़ेंगे, यहाँ से सब कुछ सेट करके दिया जाता है। 37.12 पे आपका लाइट चालू हो जाएगा आपके मशीन का और 37.7 पे लाइट्स बंद हो जाएंगे। आपके मशीन का टेम्परेचर अगर कंप्लीट हो गया है तो लाइट्स अंदर के बंद हो जाते हैं। देख लीजिए बोर्ड पे लगाया मैंने, इस तरह से पूरा चालू हो जाता है। अगर खुदा न खास्ता आपका एडाप्टर अगर ख़राब हो रहा है तब भी आपकी मशीन चालू रहती है। सिर्फ एडाप्टर पे फैन और LED लाइट दिए अंदर, हम वो भी देख लेते हैं। इसको पहले चालू कर लेंगे। ये आपका फैन, LED लाइट, अंदर का लुक देख लीजिए और बॉक्स की जो जाड़ है यानी जो थिकनेस है वो बड़ी है। इसमें से निकला हुआ टुकड़ा भी निकाल जो कांच के लिए हमने टुकड़ा निकाला था वो इस बॉक्स का, ये भी आपको वापस आ जाएगा। देख लीजिए 2.5 इंची का है। टोटल 2.5 इंची का है। इस तरह का बॉक्स तैयार है आपका। बॉक्स में दिए जाने वाली चीज़ें यानी कि आपको एक पावर कॉर्ड दिया जाता है, उसके साथ एडाप्टर भी दिया जाता है, साथ ही में पानी का ट्रे और अंडे रखने के लिए जाली। इसकी सभी प्रकार ये सब इस प्रकार मशीन के अंदर पैक की जाती है। ये सब देने के पीछे का कारण कि भाई जब भी आप अंडे मशीन में रखते हो चूजे निकलने के बाद पानी में गिर जाते, तो इस तरह आपको अंडों को ट्रे के ऊपर रखना है, नीचे पानी का ट्रे रखकर पानी भर देना है। अब देखते हैं आपको पार्सल किस तरह आता है। पार्सल को पूरी तरह ऐसे बॉक्स में पैक करके आपका नाम पता और नंबर, इस तरह से आपका पार्सल आपके घर तक छोड़ दिया।
आपके घर में पार्सल पहुँचते ही आपको क्या करना है, सबसे पहले पैकिंग खोलना है, मशीन को चालू करके देखना है, साथ ही में आपको इस तरह से अंडे ट्रे के ऊपर रखने हैं। नीचे पानी का ट्रे दिया जाता है, उसमें पानी भर दीजिएगा और 18 दिन तक कंटिन्यू दिन में 3 बार आपको रोटेट करने हैं। बाय चांसली एक आध दिन रोटेट ना हो सके तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर रोटेट करना ज़रूरी होता है। वैसे ही 18 दिन पूरे होने के बाद आपको रोटेशन बंद करना है और मशीन को चालू रखकर छोड़ देना है। 21 दिनों के बाद आपके, या 20वें दिन, कभी 19वें दिन, इस हिसाब से आपके मशीन में चूजे निकलना चालू हो जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो कि अंडों से चूजे निकलना चालू हो गए हैं। तो दोस्तों, इस तरह इनक्यूबेटर का काम रहता है और सभी जानकारी हम वीडियो में नहीं बता सकते, इसलिए आने वाली वीडियो देखिएगा। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और आने वाली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग KPS इनक्यूबेटर वीडियो।